हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बिफोर बायोलॉजीज। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस। फ्रेंड्स, हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस होता है, कि हम इसको एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस क्यों बोलते हैं? देखिए, जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस होता है, उसी को हम एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एडेप्टिव का मतलब किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, एक्वायर्ड का मतलब किसी भी चीज़ को लेना, किसी दूसरे से लेना, उसी को हम एक्वायर्ड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस होता है, उसको हम एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसको दूसरे से अडॉप्ट करते हैं। ओके, तुरंत ये बाई नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हम इसको एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए, द मेन गोल ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी टू एलिमिनेट द पैथोजन फ्रॉम इट्स ओन इंटायर सिस्टम। देखिए, सबसे ज़्यादा मेन मोटिव इसका यही होता है कि हमारा जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस होते हैं, उसका मेन मोटिव यही होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो उसको एलिमिनेट करके, उसको किल करके, किसी भी तरीके से उसको बॉडी से आउट कर देना होता है। यही मेन एम होता है हमारे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस का। देखिए, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इट गिव्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बिकॉज इट कम्स लेटर। देखिए, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस देता है, क्योंकि क्या होता है, ये बाद में आता है। पहले क्या आता है, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे क्या आता है, इनेट इम्यूनिटी आता है, उसके बाद ही हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस आता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।